हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, मैं भावना, आयुर्वेद एक वरदान घरेलू नुस्खे में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मुँह के छाले। 10 में से 9 लोग मुँह के छालों से परेशान रहते हैं। कुछ इस तरह से मुँह के छाले होते हैं और कुछ इस तरह से मुंह के छाले होते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ घरेलू नुस्खे जो चुटकियों में आपके मुंह के छाले सही कर देते हैं। तो चलिए पूरी वीडियो एंड तक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मुंह के छाले बार बार आने से परेशान हैं, छालों को सही करने का ये तरीका जान लीजिए जो मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। छालों को ठीक करने में ये बेहद कारगर साबित हुआ है क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। यहाँ आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने जा रही हूँ जो आपके छालों की तकलीफ से एकदम निजात दिला देगी और छाले फिर से दोबारा आएगी भी नहीं। छाले 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल छाले और एक गंभीर छाले। तो आइए मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल छाले कैसे होते हैं। मुँह में छाले होना नॉर्मल है, ऐसे में आप घरेलू उपाय से उसे ठीक भी कर सकते हैं, ठीक होता भी है। लेकिन अगर कोई छाला लंबे समय तक सही नहीं हो रहा है, घरेलू उपचार से भी सही नहीं हो रहा है, सूख भी नहीं रहा है, आपको बार बार तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो परेशानी बन सकती है। ऐसे में एक बार आप चेकअप जरूर से करवा लीजिए, क्या पता वो कुछ और है, वो छाले की जैसा दिख रहा है लेकिन छाले नहीं है। मुंह के छाले होने के कुछ प्रमुख कारण भी होते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि कारण क्या है। वैसे फ्रेंड्स, कुछ भी बीमारी होती है तो उसके कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं। तो ये बेहतर होगा कि सबसे पहले हम कारण जान लें किस कारण से हमको ये बार बार हो रहा है। अगर वो कारण हम अवॉइड करेंगे तो हम उस परेशानियों से भी बच सकते हैं। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, डेली 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 ज़्यादा से ज़्यादा मसाले वाली सब्जियां खाते रहते हैं, मसाले वाला खाना खाते रहते हैं, तो इससे हमारा पाचन खराब हो जाता है। पाचन अगर खराब हो जाता है तो इससे भी कभी कभी मुंह में छाले बार बार होते रहते हैं, क्योंकि इतना गर्म होता है, इतना तीखा होता है, उसकी भी वजह से होता है। ज़्यादा गर्म गर्म खाना, जैसे बहुत खौलता हुआ खाना, गर्म गर्म खाना खा लेते हैं, इतना तो आपको सबको पता है कि मुंह जल जाते हैं। अगर मुंह जल जाते हैं वो तो सही भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वही जलन छाले की रूप ले लेती है। अगर छाले का रूप ले लेता है तो वो छाला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर वो छाला मुझे तकलीफ भी देता है, इसकी वजह से भी छाला होता है। एक ये भी वजह होता है, अगर हम अपने दांतों को सही से क्लीन नहीं करते, सही से ब्रश नहीं करते हैं, तो जो दांतों की गंदगी होती है धीरे धीरे वो मोटी होती जाती है, तो वो भी छाले का ही रूप ले लेता है और धीरे धीरे वो बड़ा बन जाता है, जो छाले के जैसा दिखने लगता है। फिर सही होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर किसी को फीवर है या फिर कोई बीमारी है, ऐसे में वो अगर कोई दवा ले रहे हैं, एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, स्पेशली एलोपैथिक दवा से हमें जल्दी जल्दी छाले होते हैं क्योंकि वो बहुत गर्म होता है और किसी किसी का तो बॉडी टेम्परेचर इतना हीट होता है कि उसको फीवर होने से भी छाले हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं छाले सही करने का तरीका क्या है। अभी तक तो आप जान गए छाले होते कैसे हैं, बस यही कुछ उपाय है, यही कुछ कारण है, इनको अवॉइड करिए तो आपके छाले बार बार होंगे भी नहीं, और अगर छाले हो गए हैं तो सही करने का ये तरीका है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके छाले छोटे हैं, कुछ ही समय हुआ है आपके छाले हुए हैं, तो वो छाले बहुत जल्दी सही हो जाएंगे अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं। सुबह शाम आपको यही करना है, खाना खाइए, खाना के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, 2 दिन में आप देखेंगे आपके छाले एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, थोड़ा सा टमाटर लेना है, आधा या 1 टमाटर को अच्छे से प्यूरी बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में मिला लीजिए, वो एक टमाटो का जूस बन जाए। टमाटर कच्चा टमाटर लेना है, टमाटर को ना ही उबालना है ना ही पकाना है, कुछ नहीं करना है, कच्चे टमाटर का जूस 1 गिलास पानी में मिक्स कर लीजिए। इसी पानी से आप अच्छे से 10 से 15 बार कुल्ला करिए। इसे आप पीना चाहे तो पी भी सकते हैं, टमाटर खाने वाली भी चीज़ है, कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आप पीना पसंद नहीं करते तो कुल्ला करके थूक सकते हैं, लेकिन
जब ये कुल्ला करते हैं छाले के ऊपर, इसकी सिकाई होती है टमाटर के जूस से, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है और इससे भी छाले ठीक हो जाते हैं। ड्राई कोकोनट, आपको शायद ये पता भी होगा कि सूखा नारियल खाने से अगर हमारी जीभ में कट गए हैं या छाले हो गए हैं या खाने की वजह से जल रहे हैं, जलन हो रही है, तो थोड़ा सा सूखा नारियल लीजिए और अच्छे से च्यू करके खाते रहिए थोड़ी देर तक। थोड़ा ज़्यादा लीजिए और थोड़ी देर तक च्यू करके खाते रहिए, और जिस जगह पर आपके छाले हैं दाएं साइड में है तो दाएं साइड से ही उसको च्यू करके और थोड़ी देर वहीं पर 5 मिनट तक रखा रहने दीजिए। अगर बाएं साइड में तो बाएं साइड में करना है। इतना तो आप समझ गए होंगे ना कि जिस जगह पर आपके छाले हैं वहीं पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चबाना है नारियल को, और वहीं पर 5 मिनट के लिए चबाकर नारियल को छोड़ देना है, फिर उसके बाद खा लेना है। 3 से 4 बार आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपके छाले 2 दिन में एकदम सही हो जाएंगे। वैसे मुंह में या जीभ पर छाले होने के लिए शरीर में बढ़ने वाली गर्मी की वजह से भी होती है। ऐसे में कोशिश करिए कि दिन भर में हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। ये खासकर उन लोगों के लिए जिसकी बॉडी टेम्परेचर बहुत हीट रहती है। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहेंगे तो आपका शरीर तापमान एकदम नियंत्रित रहेगा, तो आपको छाले होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी फिटकरी डाल के अगर आप कुल्ला करते हैं, इससे आपके मुंह के छाले बहुत जल्दी सही होता है। एक बार में ही आपको पता चल जाएगा, एकदम आधा हो जाता है, और दूसरी बार में तो एकदम सही हो जाता है। बहुत ही लाभदायक है फिटकरी पानी, तो सबसे बेस्ट है अगर आपको छाले जल्दी से जल्दी सही करना है तो। नेक्स्ट है 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने छालों पर लगा दीजिए। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए मुंह खोल के, ताकि आपके सलाइवा से आपकी हल्दी अंदर ना चली जाए। अंदर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे छालों से हटने ना पाए हल्दी का पेस्ट। हल्दी में एंटीसेप्टिक होता है, जिससे हमारे छाले बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। और यकीन करिए, अगर हल्दी वाला ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके छाले दोबारा होने भी नहीं पाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा नुस्खा है। नेक्स्ट है सेंधा नमक को पानी में मिलाकर अच्छे से गरारा करिए, ताकि पूरा मुंह एकदम से साफ हो जाए। वैसे एक बात बता दूँ, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। जिसको छाले की ज़्यादा परेशानी है उसके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे छाछ, फलों का जूस या फिर आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ठंडी दही, तो इससे भी आप देखेंगे आपको जल्दी जल्दी जो छाले हो रहे हैं वे छाले होना बंद हो जाएंगे और आपके छाले नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल फ्रेंड। तो बस आज के लिए इतना ही। यूजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और यूजफुल वीडियो देखते रहिए।